पूछूं, लॉकडाउन में अपने गांव आके आप लोगों को कैसा लग रहा है? ताऊजी मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो जब से पैदा हुई थी पहली बार गांव आई हूँ। पहली बार मैंने इतना अच्छा जंगल देखा है, इतने सारे पेड़ देखे मैंने। हाँ भाई डब्लू, तू बता तुझे कैसा लग रहा है अपना गांव? ताऊजी मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा तो अपनी बुक्स ओपन करने का मन ही नहीं कर रहा है। बस मन कर रहा है इस जंगल में घूमता जाऊँ, कबड्डी खेलता जाऊँ। अच्छा बेटा, अपने गांव की बात ही ऐसी है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का जंगल, यहाँ के खेत, यहाँ के पेड़, सब कुछ तो सुंदर है। ताऊजी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। कल रात को मेरे पापा फेसबुक देख रहे थे और फेसबुक देखते देखते कुछ बड़बड़ा रहे थे, उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। ये भू कानून क्या है ताऊजी, आप हमें बताएंगे प्लीज़? हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से। मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो बेटा सुनो, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भू कानून की मांग बड़े ही जोर शोर से चल रही है। और भाई, मांग करना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। बच्चों, ये भू कानून क्यों जरूरी है आज आपका ताऊ आपको बताएगा, और बड़े ही तसल्ली से आपको बताएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनो। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप नौजवान पीढ़ी मेरी इस बात को समझोगे और इस भू कानून की आवाज को बुलंद करोगे। ठीक है ताऊजी, ठीक है ताऊजी, आप हमें बताओ ना, हम आपको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हे निर्भय डिक्चू, तो पहले ध्यान लगा कि ना देख के सहमत ही गण गण कर लगू। ताऊजी ताऊजी, मैं डांट ना यार, अभी तुम्हें छुट्टी में भी छो, लॉकडाउन में घोर आई छो घूमने घोड़ा की, और तुम्हें तो आज जंगल घूमने आई छो, और तुम्हें तो ढंग से घूमने जा देना, और तुम्हें तो एक बटन पर लगा छे। अरे बेटा, मैं तेरे को डांट नहीं रहा हूँ, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। तो तू मेरी बात को ध्यान से सुन और ऊपर आसमान की तरफ मत देख। ठीक है ताऊजी, ठीक है ताऊजी, आप हमें सुनाओ सुनाओ सुनाओ, मैं ध्यान से सुनूंगा आपको। तो ठीक है बच्चों, आप बड़े ध्यान से सुनो। भू कानून को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे इस सुंदर उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी, और इसी समय पे 2000 में एक प्रावधान लाया गया था कि उत्तराखंड में कोई भी बाहरी व्यक्ति केवल 500 मीटर ही जमीन खरीद सकता है। लेकिन बच्चों, इस प्रावधान में फिर से एक बार संशोधन किया गया सन 2007 में कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में 250 मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो कि गैर उत्तराखंडी है, वो हमारी कृषि योग्य भूमि को बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता था। ताऊजी हमें सुनने में बहुत मजा आ रहा है, अब उसके बाद क्या हुआ था आप हमें बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा बेटा, अब उसके बाद में लेकिन फिर क्या हुआ था कि फिर से 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार ने इस भू कानून प्रावधान में एक बार फिर से संशोधन किया, और अब जो नया संशोधन किया था उसमें यह था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जितना चाहे, जितना मर्जी चाहे जमीन उत्तराखंड में खरीद सकता है। और इस कानून को भी लागू कर दिया गया था सरकार द्वारा, और ये कानून बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि उत्तराखंड में लोग निवेश करें और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। हाँ भाई छुटके, तेरी समझ में आ रहा है कुछ जो ताऊजी समझा रहे हैं? हाँ भैया, आओ मैं समझ में, तुम तो सभी ऐसे भी थे लाटू, समझ गए लाटू बस। अरे बच्चों, तुम आपस में लड़ो मत, तुम पहले मेरी बात को समझो। तो सुनो, ये जो नया कानून 2018 में लाया गया कि जिसमें बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जितना मर्जी जमीन खरीद सकता है, तो इस कानून के लागू होने के बाद बाहरी व्यक्तियों ने यहाँ पे कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि को खरीदना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने पहाड़ के पहाड़ी खरीद लिए। और बच्चों, मैं आपको बताता हूँ
कि इस चीज का ज्यादा प्रभाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बच्चों बहुत ही जल्द इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों, इस जमीन की खरीद फरोख्त से हमारे जल, जंगल और हमारी जमीन सब पर खतरा मंडराने लगा है, और इसके अलावा इससे हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी लोक भाषाओं सभी के लिए खतरा पैदा हो गया है। बच्चों ध्यान रखो और गौर से सुनो, अगर हमने अपनी जमीन किसी बाहरी धन्ना सेठ या किसी अमीर आदमी को बेची, तो जिस जमीन पर आज आपका अधिकार है, जिस जमीन पर आपको पूरा गर्व है, जहाँ पे आप छुट्टियों में आते हो, घूमते हो, रहते हो, कल आपके बच्चे उसी जमीन पर नौकर बनकर काम करेंगे। ताऊजी, ये तो सच में बहुत गंभीर विषय है। हाँ बेटा, ये बहुत गंभीर विषय है, और अगर हम ऐसे ही करते चले आए तो हमारी भावी पीढ़ियां हमें कोसेंगी और हमें गालियां देंगी। हाँ बच्चों, ये सच में ही बहुत गंभीर विषय है, और मैं इसके बारे में आपको एक उदाहरण देता हूँ हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल राज्य पर्वतीय राज्यों में से एक बहुत ही विकसित राज्य है। हिमाचल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे श्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। उनको ये लगा था कि उनके राज्य के लोग कुछ ज़्यादा संपन्न नहीं हैं, और वो थोड़े से पैसे के लालच के लिए बाहरी लोगों को अपनी जमीन बेच सकते हैं और हिमाचल की कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि कामों के लिए नहीं बेचा जा सकता। उसके बाद हिमाचल ने विकास किया और अपने पर्यटन को बढ़ावा दिया, जिससे वहां के लोग भी संपन्न हुए। तो बच्चों, आपको याद रखना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भी हिमाचल के जैसे ही हैं। तो जब हिमाचल प्रदेश भू कानून होने के बावजूद विकास कर सकता है, तो फिर हमारा उत्तराखंड क्यों नहीं? और यदि बाकी के पहाड़ी राज्यों ने अपनी भौगोलिक संरचना के आधार पर अपनी भूमि के संरक्षण के लिए भू कानून बनाया है, तो फिर अपने उत्तराखंड में ऐसा कानून क्यों ना बने? ताऊ जी, आज तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। मैं घर जाके अपनी दादी को भी बोलूंगा, अपने पापा को भी बोलूंगा और अपनी माँ को भी सुनाऊंगा। जब मेरी माँ चूल्हे पे रोटियां बनाएंगी ना, तो उनको मैं रोटी खाते खाते सारी बातें सुनाऊंगा जो भी आपने मुझे बताई हैं। हाँ बेटा, तू घर जाके सबको बताना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको थोड़ा कुछ और बताता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर विषय की बात है, और हमारी सरकार को इसके बारे में सोचकर एक निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, आप भी अपने घर में जाके अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये बताना कि हमारी जमीन बहुत ही कीमती है और आने वाले समय में ये हमारा बहुत साथ देगी। तो बच्चों, किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप अपनी जमीन ना बेचें। तो चलो बच्चों, अब शाम भी हो चुकी है तो हमें घर भी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में बाघ आ जाए। ताऊजी, मुझे बाघ देखना है। मैंने तो ओनली बस चिड़ियाघर पे देखा हुआ है, वो भी पिंजरे के अंदर बंद। मुझे बाहर देखना है, मुझे सहलाना है उसको। अबे दाणी ज्यादा नहीं बोल, अगर बाघ आ लो ना बनते तो एक ही कपम खा जा, ठीक है? चलो बच्चों, अब घर चलते हैं, मेरे पीछे पीछे आओ, कोई पीछे खेलने मत लग जाना, क्योंकि शाम हो चुकी है और जंगली जानवर बहुत ही जल्द इस जंगल में आने वाले हैं। चलो आ जाओ।